हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10th एच ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। उसके क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे कि आई क्रॉस जे होता है के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। कैसे याद रखोगे? जैसे अपने को आई जे एंड के है तो सीरीज ऑर्डर में याद रखना। अगर आई क्रॉस जे लेते हैं तो के कैप, अगर J क्रॉस K लेते हैं तो I कैप, और अगर K क्रॉस I लेते हैं तो क्या आएगा? J कैप आएगा। अगर इसका ऑपोजिट करें, इसका इंटरचेंज कर दे, I क्रॉस J की जगह J क्रॉस I ले लें तो माइनस K कैप, माइनस लग जाता है अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें। जैसे J क्रॉस K I है तो K क्रॉस J क्या होगा? माइनस I कैप। K क्रॉस I J है तो I क्रॉस K क्या होगा? माइनस J कैप। यानी इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज करने पर साइन माइनस का आ जाता है। यानी प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर इसको इंटरचेंज करें, बी क्रॉस ए लगाएं तो आगे साइन कौन सा आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस का होता है, डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के, पर इसमें ए क्रॉस बी में माइनस आगे लग जाता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हमने डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का यह फॉर्मूला है कि अगर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। क्रॉस में साइन लगता है, डॉट में कॉस लगता है। फर्स्ट हम करते हैं जैसे फाइंड। और एक चीज और कि अगर हम सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसका आता है जीरो वेक्टर। जीरो के ऊपर वेक्टर जरूर डालना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें वेक्टर आता है। तो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है, जे क्रॉस जे भी जीरो वेक्टर, के क्रॉस के भी जीरो वेक्टर। पर डॉट प्रोडक्ट में क्या पड़ा था? आई डॉट आई वन होता है, J डॉट J वन होता है, K डॉट K भी क्या होता है? वन। डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वन होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होती है? जीरो होती है। डॉट में यहां था I डॉट J जीरो होता है, डॉट में यहां पर जो अगर डॉट आ जाए I डॉट J जीरो होता है, पर क्रॉस में क्या होता है? I क्रॉस J K कैप होता है। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड A क्रॉस B वेक्टर। इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, A वेक्टर गिवन और B वेक्टर गिवन है। देखो A वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर लेनी है, ऐसे लेते हैं A और B की क्रॉस प्रोडक्ट। I कैप पहले लगते हैं, फिर J कैप, फिर K कैप। I कैप का कोएफिशिएंट लिखते हैं A वेक्टर में, जिसमें पहले A वेक्टर लिखा तो पहले A वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखने हैं। I कैप का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस वन। J कैप इसमें है नहीं तो J कैप का कोएफिशिएंट जीरो है। K कैप का कोएफिशिएंट कितना है? थ्री है। अब B वेक्टर के लिखते हैं, I कैप का कोएफिशिएंट वन है क्योंकि आगे यहां वन है तो वन आएगा। J कैप का कोएफिशिएंट थ्री है, के कैप का क्वेश्चन माइनस टू है। साइन का जरूर ध्यान रखना है, अगर माइनस टू है तो यहाँ माइनस टू लिखना है, जब प्लस है तो प्लस का नंबर लिखना है। अब इसको डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं, आई कैप रखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, किसको मल्टीप्लाई करना है? माइनस टू को जीरो से किया मल्टीप्लाई, जीरो माइनस थ्री को थ्री से किया नाइन। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, यहां पर साइन होता है प्लस का या माइनस का या प्लस का, फिर माइनस जे कैप बाहर आएगा, माइनस का साइन होता है इसलिए माइनस जे कैप। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट रो को फिंगर रख के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू को माइनस वन के साथ टू, माइनस का साइन बीच में होगा, थ्री को वन से किया थ्री, ये आ गया। थर्ड में के कैप प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का साइन ऊपर, तो इस पे कॉलम रो पे फिंगर रखनी है तो यहां आ जाएगा माइनस थ्री माइनस जीरो, इसका आ जाएगा माइनस नाइन आई कैप, टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये इसका आंसर आ गया सी क्रॉस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट सेकेंड सम है आपकी बुक का, राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पर डॉट भी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी है, पहले बाहर डॉट है, पहले क्रॉस को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या इसमें जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट रहने देते हैं, सीधा लिखते हैं जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, देखो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई कैप के, तो यहां हम पुट करेंगे आई कैप प्लस जे डॉट क्रॉस, के क्रॉस आई किसके इक्वल होता था? के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, तो यहां लिखेंगे डॉट J कैप प्लस K डॉट, और J क्रॉस I किसके इक्वल होता है? K कैप के। अब हमें पता है डॉट वेक्टर सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? वन होती है, वन प्लस वन प्लस वन, कितना आंसर आ गया इसका? थ्री आंसर आ गया इसका। यहां पर सॉरी J क्रॉस K की होती है माइनस K कैप, यहां लिखा हुआ है J क्रॉस K, J क्रॉस सॉरी I, J क्रॉस I की यहां होती है माइनस K कैप, यहां लिखनी है तो यहां माइनस आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा इधर, क्योंकि के डॉट के तो वन होता है, ये वन से वन कट हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड का बी पार्ट है, हमने पी फाइंड करना है।
इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दी हुई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेनी आनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड से लेंगे। आई कैप का ऑप्शन 2, जे कैप का 6 और के कैप का 27, क्योंकि हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी दी है, जीरो दी हुई है, हमने पी फाइंड करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला लगा रही हूँ। आई कैप का ऑप्शन 1, जे कैप का 3 आएगा, के कैप का पी ऑप्शन, और इनकी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो आपने इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल के इसकी पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल रखे वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट थर्ड सम, ए और बी वेक्टर हमें गिवन है, हमने ये फाइंड करना है 2a माइनस बी वेक्टर प्लस ए प्लस 2b की क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसके लेंगे, पहले 2a माइनस बी हमने निकालना पड़ेगा, फिर a प्लस 2b निकालना पड़ेगा, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। पहले हम 2a माइनस बी वेक्टर निकालते हैं, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो 2 वैसे ही a वेक्टर की वैल्यू पुट की, a कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस बी वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस k कैप। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2i माइनस 2j प्लस 2 को 2 से किया 4k कैप, और माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2i माइनस j माइनस माइनस प्लस k कैप, कितना आ जाएगा 2i और 2i कट हो रहे हैं माइनस 2j माइनस j माइनस 3j कैप प्लस 4k प्लस k 5k कैप। ये हमने 2a माइनस b निकाला, अब क्या निकालना है a प्लस 2b वेक्टर, a प्लस 2b निकालेंगे, a वेक्टर की वैल्यू पुट की i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2 टाइम b वेक्टर की ये वैल्यू पुट की 2i प्लस j कैप माइनस k कैप। सॉल्व किया i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब i कैप प्लस 4i कितना हो गया 5i माइनस j प्लस 2j j कैप, 2k से 2k कट हो गया, ये बचेगा। अब हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड क्या करना है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2a माइनस b वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ। कैसे लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बाय डिटर्मिनेंट से i कैप j कैप k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट आपने याद रखनी ऐसे ही लेनी है, डॉट मैंने बताई हुई वो मल्टीप्लाई करके होगी, क्रॉस में आपने ऐसे लेना है। अब 2a माइनस b वेक्टर में कोएफिशिएंट्स देखते हैं, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का आंसर क्या आया था माइनस 3j प्लस 5k। देखो i कैप का कोएफिशिएंट यहाँ जीरो है, क्योंकि i कैप नहीं है तो जीरो लिखेंगे, j कैप का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 3, k कैप का कोएफिशिएंट कितना है 5। पहले हमने इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं जो पहले लिखे हैं, हमने 2a माइनस b कहा हुआ है पहले लिखना है, तो पहले इसके ही कोएफिशिएंट्स लेने हैं। सेकंड में हमने किसके लेने a प्लस 2b के, इसके कोएफिशिएंट्स i कैप का कोएफिशिएंट कितना है 5, आगे j कैप है और j कैप यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 1, k कैप है नहीं तो k कैप का कोएफिशिएंट 0। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, i कैप देखो 0 माइनस 5 आ जाएगा माइनस j कैप, माइनस का साइन है क्योंकि यहां प्लस माइनस प्लस, माइनस j कैप में 0 माइनस 25 प्लस k कैप रखा, अंदर क्या आ जाएगा 0 प्लस 15 प्लस का 15 आ जाएगा, तो माइनस 5i प्लस 25 j कैप प्लस 15 k कैप आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट सिक्स सम है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इफ a और b गिवन है। हमने मैग्नीट्यूड करना है, किसका निकालना है मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पहले निकाल लेंगे फिर हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। और a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, i डिटर्मिनेंट से i j k, i कैप का कोएफिशिएंट 2, j कैप का 1, k कैप का 1, नेक्स्ट में 1 माइनस 2 1। इसको सॉल्व करेंगे i कैप डिटर्मिनेंट से 1 प्लस 2 माइनस j कैप, 2 माइनस 1 प्लस k कैप माइनस 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3i कैप, 2 माइनस 1 1 माइनस j कैप माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 k कैप। हमने a क्रॉस b का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ऐसे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का साइन है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केयर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ i कैप स्केयर, i कैप का क्वेश्चन कितना है 3, प्लस j कैप का क्वेश्चन कितना है माइनस 1 का स्केयर, एंड k कैप का क्वेश्चन कितना है माइनस 5 का स्केयर। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, तो 3 का स्केयर 9, 1 का ये 1 आ जाएगा, माइनस 5 का स्केयर 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 1 26, 26 में से 9 प्लस किए 35, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 35, ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 35।